नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके इस यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो एनवीएस का पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे क्लास सिक्स का जो हुआ था 6 अप्रैल को, जो डाउट वाले थे। हकीकत में बात यह है कि उसका सबको नंबर मिलना चाहिए नियम के हिसाब से, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चनों का नंबर सबको मिलना चाहिए। ऐसे कितने क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे किस तरीके से उसका आंसर सबको या तो सबको मिले, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आए हैं ना इनमें एक से ज़्यादा आंसर हैं उनके, और ये सही बात भी है, ये प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एनवीएस के बारे में। देखिए, एनवीएस में जब से अच्छी बात यह है कि वहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर बच्चों को जो अच्छी स्टडी मिलती है, वो एक अच्छा तरीका मिलता है, वो बाकी जो स्कूल्स होते हैं उनमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ इमेज आपको हम दिखाई रहे हैं लगातार इस पर, तो ये देख लीजिएगा इनमें कितना अच्छा है, बच्चे कितने स्वतंत्र रूप से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके बच्चों को। ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस है, रिजल्ट का क्या प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस है, ये सारा के सारा अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहेंगे बताएंगे कि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे जिनके एक से ज़्यादा आंसर थे, वो क्वेश्चन कौन से हैं और क्या क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है, जो एफ बना हुआ है, आपने देखा क्रॉस। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन है इस ये जो इमेज दे रखी है वो इनमें से किस में बन जाएगी। ठीक है, क्या बोला है उसने, ये जो इमेज है जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये वाली हमारी ये इमेज, ये इस इमेज की वो बात कर रहा है कि ये कौन से जो वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी किस में बनेगी, किस में किससे बनाई जा सकती है या किस में छुपी हुई है, ऐसे कह सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है इसमें भी हमारी एफ छुपी हुई है। कैसे, अगर हम इस लाइन को इस तरह से खींचें, देखना ये लाइन खींच जाएगी, ये लाइन भी इसमें खींची हुई है तो ये खिंच जाएगी, और यहाँ से एक ये खिंची हुई है तो ये खिंच गई। देखो, F जो थी वो यहाँ से बन गई, तो इसका आंसर अभी A भी हो सकता है, ठीक है, B नहीं होगा क्योंकि B में F नहीं बन रही। लेकिन अगर वही बात हम क्या करें C की, तो C में देखो ये लाइन खिंच रही है, ये यहाँ से एक खिंचेगी एक यहाँ से खिंचेगी, इसका मतलब F यहाँ भी बन गई। लेकिन D की बात करें तो इसमें भी नहीं बनेगी। अब उसमें से आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, A में A ब्लैक हो रहा है और C में एकदम साफ है, तो ऐसा ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेम एज इमेज वैसी बने, क्योंकि यहाँ पर हमें देखा है कि हमें बाउंड्री लाइन मिल रही है, इसके अंदर का ब्लैक ख़त्म कर दें, अगर हम ब्लैक को क्या करें ख़त्म कर दें तो वो लाइन ही तो बचेगी हमारे पास, जो वो लाइन बचेगी इसका मतलब इसका आंसर ए भी है और डी भी है, सॉरी सी भी है। तो इसका मतलब इसका जो नंबर मिलना चाहिए वो या तो ए और सी जिसने लगाया है सबको मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो जो भी उल्टा लगाया गलत लगाया हो सबको मिलना चाहिए जो नंबर मिलना चाहिए। रीज़न यही है कि इसमें एफ ने उसने ये बोला था कि किस में बन रही है या किस आकृति में छुपी हुई है, तो इनमें दोनों में छुपी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कई बार कंपटीशन में आए हैं और ऐसी फिगर का आंसर वो मिलता है, तो इसीलिए ये आंसर होना चाहिए इसका ए और सी दोनों, और इसलिए ये या तो ए और सी वालों को नंबर मिले या फिर कोई भी ऑप्शन लगाया हो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इस ऑप्शन को दो आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है डाउट वाला, जेड वाला। बहुत लोगों का डाउट है, बहुत ज़्यादा लोगों का डाउट है, ठीक है, और हाँ बिल्कुल डाउट होना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जेड वाला। क्यों डाउट वाला क्यों है और सबको नंबर इसमें मिलना चाहिए क्या, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों, उसने ऊपर ये नहीं बोला है कि सेम आकृति बनानी है, उसने कहा है कि ये आकृति किस में बन रही है या छुपी हुई है। ठीक है, तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमने देखा क्या, ये जो आकृति है यहाँ पर ये क्या है जेड बन गई, इधर के जो हिस्से हैं इसके देखो ये बराबर हैं इधर इधर के, ठीक है, तो यहाँ भी ये कैसे हैं बराबर हैं, इसका मतलब जेड यहाँ भी बन गई। तो जिसने भी ये आंसर लगाया, जिसने हमें पेपर दिया उसका सही था। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर सी भी होगा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम जेड बनाएंगे तो देखो ये बन रही है जेड, तो ये जेड बन रही है इसका मतलब यहाँ दोनों जगह से बन रही है जेड, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर, ये सी भी होना चाहिए। इसके बाद अगली बात आ जाती है हमारे ऑप्शन अगले की, तो ये में देखो इसमें भी जेड बन रही है ये,
ठीक है, तो हमने जेड तीन ऑप्शन में बना ली, तो ये तीनों आंसर सही होने चाहिए। अब इसका नंबर सबको मिलना चाहिए, क्यों? जिसने ए लगाया उसको भी मिलना चाहिए, सी लगाया उसको भी मिलना चाहिए, और डी लगाया है उसको भी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उतनी ही बड़ी बननी चाहिए वैसी बननी चाहिए। उसने कहा है कि ये आकृति किस इमेज में छुपी हुई है या किस इमेज में बनाई जा सकती है, तो इसका मतलब इसके आंसर ए बी सी में बी नहीं है, बाकी के सारे आंसर हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात कही जाए कि इसमें से बेस्ट कौन सा होगा, सी या बी या ए या डी, तो अगर बेस्ट पे अगर जाएंगे वो लॉजिक दे सकते हैं, सिर्फ एक इतना दे सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जेड को इसको यहाँ से काटा है और इसको यहाँ से काट दिया। अब उसके बाद उन्होंने बता दिया कि ये जो जेड बन रही है यहाँ से, ये तो ये बीच वाली हो सकती है। इस लॉजिक पे वो अगर वो इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, हमारे हिसाब से जैसे कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से ए सी डी तीनों सही हैं, क्योंकि जेड बनानी होती है। आज इससे पहले भी कई बार रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, उनमें ऐसा कहीं नहीं होता था कि वो जेड बन रही हो और उसी स्थान पे एग्जैक्ट बन रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इसका नंबर सबको मिलना चाहिए 100%। अगला बात कर लेते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल एक गणित का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उसने पूछा हुआ था कि जो संख्या है -1 को 101 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। तो देखना इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ए लगाया है +1, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज में स्पष्ट तरीके से ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि 101 को -1 से 100 बार गुणा किया जाएगा या -1 का 100 बार गुणा किया जाए, समझ रहे हैं ना। तो अगर उसने ये कहना चाह रहा है तो उसको जब -1 को -1 से अगर लिखना है तो को के बाद कोमा देना चाहिए था, को के बाद उसने कोमा नहीं दिया, इसका मतलब वो बात खत्म नहीं हुई। उसने माना है -1 को -1 से 100 बार गुणा किया, अब किस मुकाम -1 की बात कर रहा है वो, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोला। इसलिए अगर एक लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ -1 को गुणा -1 से 100 बार करना है, तो अगर -1 का गुणा -1 में 100 बार किया है तो आंसर सम आएगा। लेकिन अगर उसने यही बात इस तरह से कह दी कि -1 को गुणा किया जाए -1 को 100 से, -1 कितने बार है 100 बार, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए, -1 को -1 से कितने बार 100 बार, तो फिर अभी हो जाएगा कितने बार 101 बार, तो 101 बार गुणा किया जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ पे +1 भी आ रहा है आंसर और -1 भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो लैंग्वेज दे रखी है वो एकदम सही नहीं है। ये बच्चों के लिए बहुत टिपिकल लैंग्वेज थी, और फिर यहाँ से ये प्रूव ही नहीं हो रहा है कि -1 को -1 से 100 बार गुणा कर रहा है या -1 का 100 बार गुणा कर रहा है, तो ये चीज़ सिद्ध नहीं हो रही। इसलिए इसके आंसर भी दो होना चाहिए, -1 और -1 दोनों सही करने चाहिए जिनके ऑप्शन लगे हैं, या फिर सबको इसका नंबर देना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन डाउट वाला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 23 वाला है। हमने देखा कि इसमें उसने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास से जितने भी फिगर दे रखे हैं उसको पूर्ण करना था। इसमें क्या हुआ था कि जो ये आकृति हमारी दे रखी है 23 में, इसको कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से सही है हमारे, क्यों, एक तो बी वाला जिसने लगाया है बिल्कुल सही भी लगाया है, लेकिन अगर एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमने एक आकृति दी हुई है, मान लो आकृति को तो पूरा करना है, उसने पहले क्वेश्चन में इस तरह से आकृति दी हुई थी, मान लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, अब उसने ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिला दिया, अब इसको मान लेते हैं इसको पूरा करना है उसे, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, इसको अंदर घुसाएगा, तो बी वाला क्या करेगा, इसको अंदर सबमिट कर देगा, तो ये किस तरह का फिगर बन जाएगा, जब फिगर फिट बनने, मान लो बी वाले को फिट करना है, तो बी वाला जब फिट हो जाएगा तो ये इसमें सीधा फिट हो जाएगा, तो इस तरह का फिगर बन जाएगा सीधा, मतलब इधर से कटा हुआ था, इधर से कटा हुआ था, और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डी की बात करें, इसमें डी को भी तो शामिल किया जा सकता था, क्योंकि ये तो सी एक जैसा था, सी को नहीं कर सकते, ए उल्टा था नहीं कर सकते, डी था, डी को अगर हम सबमिट करते तो बिल्कुल हो सकता है कि इस इमेज इस तरह से बनी होती, पहले इस तरह की भी तो इमेज हो सकती थी, दोनों को शामिल किया जाए, उसने ये थोड़े ना किया था कि इमेज ऐसी थी, इस तरह का इमेज बन जाती अगर आप डी को इसमें जॉइंट करते, तो अगर 23 के साथ डी जॉइंट किया जाएगा तो ऐसा फिगर बन जाएगा, ये भी पूर्ण फिगर है, और अगर डी के साथ बी को जॉइंट किया जाएगा तो ये बन जाएगा, तो ये भी फिगर है,
ठीक है, इसका मतलब इसके भी हमारे कितने आंसर हो गए, बी और डी दोनों हो गए। तो ये बिल्कुल 100% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डाउट वाले हैं और इनके आंसर एक से ज़्यादा सही हैं, इसलिए इनका नंबर सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे अभी तक 4 क्वेश्चन हमने देख चुके हैं जो उनके आंसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप लोगों का कुछ थोड़ा बहुत कम रह रहा है कट ऑफ से और आपके अगर ये क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है उनको इनके आंसर ज़्यादा रखे और उन आप लोगों के सही कर दें। ठीक है, तो आप अगर बाउंड्री लाइन पे हैं जितने भी लोग, वो टेंशन ना लें, उनका भी संभव है कि इसमें हो जाएगा। इसी बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए, और अगली बार से आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियोज NVS की तैयारी के डालूंगा जिससे कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा NVS निकालना। मैं अलग से अपने यूट्यूब पर NVS की प्लेलिस्ट बना के उसके वीडियो डालूंगा। तो आपके जितने भी बच्चे वगैरह तैयारी करना चाहें नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो ईजीली हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो NVS से रिलेटेड, मतलब पेपर से रिलेटेड, और या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए NVS के रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैंने जो कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, और उनमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक नेक्स्ट चीज़ ये है इसमें कि आप लोगों को अगर कोई जैसे रिजल्ट की प्रोसेस जाननी हो किसी को क्या है, तो रिजल्ट की प्रोसेस के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम रिजल्ट का प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट किस तरीके से आता है, क्या सबका अलग अलग रिजल्ट आता है, सबके मार्क्स दिखाए जाते हैं, क्या कट ऑफ आता है क्या, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम बाकी अगर आपको ये एक और जानकारी एडिशनल दे दूँ कि अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड या कितना फीस या क्या प्रोसेस होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपको इससे का भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।